नमस्कार, स्वागत है आपका एस सी एफ ऑफिसर अकेडमी में। आज हम जीके की एक खास सीरीज लेके आए हैं, टॉप 30 क्वेश्चन से एशियन हिस्ट्री से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और हम पूरा जीके 1 मंथ के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हर क्लास आपको इसी तरीके से दी जाएगी। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। विच अमंग द फॉलोइंग किंग्स वॉज ऑल्सो नाउन एज द ममला ग्रेट रेस्टर, तो इसके बारे में जो राइट आंसर है वो है नरसिम्हन वर्मन फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, उससे पहले हम कुछ फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन खास? चलिए, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमने आंसर बताया था वो था सी। अगला देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग करेक्ट सेट ऑफ द प्ले रिटन बाई द हर्षवर्धन इन संस्कृत। देखिए, कौन सा ऐसा राइटर था जिसने हर्षवर्धन के शासनकाल में पुस्तकें लिखी थी? तो मैं आपको बता देता हूं, वो तुलसीदास जी थे। कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी उस समय? तो ये 3 पुस्तक थी, जिसका नाम था क्या? नगनंदा, प्रियदर्शिका एंड रत्नावली। रत्नावली, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है, ये किसने हर्षवर्धन ने लिखी गई थी ये बुकें, इसके द्वारा। तो ये एक राइटर भी था, ये एक चीज का विशेष ध्यान रखना, ये राइटर भी है और साथ में एक राजा भी। अच्छा हुआ था इसने 3 बुक लिखी, वो भी संस्कृत भाषा में। तो हर्षवर्धन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वेयर एंड द व्हेन वाज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसलिंग हेल्ड, ये कब हुई थी? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वैशाली में हुई थी और कब हुई थी? 383 BC में ये कराई गई थी। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सक्सेस समुद्रगुप्त एज द नेक्स्ट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी, यानी कि समुद्रगुप्त के अलावा दूसरा कौन सा ऐसा राजा हुआ जो गुप्त डेंसिटी का सफल राजा माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चंद्रगुप्त सेकंड, यानी कि इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं बेटा। और विक्रमादित्य के अलावा ध्यान रखना है, आपने इसके बारे में बहुत सारा पढ़ा होगा, इसके बारे में बहुत सारा चीजें पढ़ा होगा कि आपको बेताल पक्षी की जो कहानी आती थी नेशनल टीवी पर वो भी इसी की है। ठीक है, सिंहासन 32 ही जो कहानी सुनाई जाती है वो भी वीर विक्रमादित्य के रूप में सुनाई जाती है। और किसको सुनाई जाती है? राजा भोज को सुनाई जाती है। तो इसलिए ये भी खास हो जाता है इस लिहाज से देखा जाए तो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस हैव द गिवन द अर्लीस्ट एविडेंस एग्रीकल्चर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो क्योंकि इंडियन की अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए पुरानिक यानी कि पुरातत्विक जो चीजें थी वो कब मिली थी, कहां से मिली थी? तो इसका जो राइट आंसर वो है मेहरागढ़। कौन सा राइट आंसर है? मेहरागढ़ इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम बेटा। विच अमंग द फॉलोइंग वेक्ट का रूलर परफॉर्म ऑल द 7 सेक्रीफाइज द अग्नुष्टमा एप्रोमा उतायमा सदोशिन ऐत्रेया वाजपेयी वेस्पतिस्वा और सदिकिस्त्रा इन द 4 अवदेशास, तो ये कहां से थे, कैसे क्या हुआ था? तो इसका नाम है राइट आंसर पर्वसेना। क्या है? पर्वसेना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द 23rd जैन तीर्थंकरा, तो किसने दिए थे तीर्थंकरा? तो ये पार्श्वनाथ है। क्या तीर्थंकरा है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये 3 रत्न थे जैन धर्म के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9th की। द सतपथा ब्राह्मण एंड द तैत्रीय ब्राह्मण आर द ब्राह्मण टेस्ट ऑफ, तो ये यजुर्वेद है, इन्होंने ये लिखा था। कौन थे? सतपथ ब्राह्मण थे और इन्होंने यजुर्वेद को लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूनिक फीचर्स ऑफ द धोलावीरा साइड ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, तो धोलावीरा में ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से इसको जाना जाता है? तो यहाँ पर धोलावीरा का जो मेन कारण था वो था इट इज अ सिटी इज वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी कि ये 3 पार्ट में डिवाइडेड की गई थी, इसलिए धोलावीरा को बहुत खास तरीके से जाना जाता है। जैसे ग्वालियर है, ग्वालियर को 3 पार्ट में क्या क्या डिवाइडेड किया हुआ है? लश्कर है, मुरार है और अपना ग्वालियर शहर है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया गया था, अभी न्यू ग्वालियर बना दिया गया है एक, तो इस तरीके से डिवाइडेड किया और वहां पर डिवाइडेड की वजह से वहां पर डेवलपमेंट का कार्य चालू किया गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर की अगले की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ 11 की तरफ चलते हैं हम यहाँ पर। विच अमंग द फॉलोइंग गुप्त एम्पायर कॉल द हिमसेल्फ लिच्छवी दोत्रा, यानी कि लिच्छवी दोत्रा कौन है बेटा और इसके बारे में जानते हैं? तो सबसे पहले 11 का देखते हैं। तो 11 का जो लास्ट मतलब लिच्छवी, देखिए यहाँ पर ध्यान रहा, लिच्छवी डोटर मतलब पुत्र, लिच्छवी की पुत्री थी, मतलब किसकी थी? पार्श्वनाथ की लिच्छवी थी। चलिए आगे चलते हैं।
आगे देखते हैं, तो इसका जो पुत्र डॉटर, तो डॉटर कौन है बेटा, देखते हैं यहाँ पर पार्श्वनाथ जी का, सॉरी महावीर, लक्ष्मी का पुत्र कौन है, ये डॉटर नहीं है, ये सन होगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, सन में पुत्र होता है, डॉटर में पुत्री होती है, तो कौन है, महावीर स्वामी है इसके, लक्ष्मी जी के पुत्र, ठीक है। आगे चलते हैं, एट विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन द रो ऑफ डिस्क्रिप्टिव फायर द अल्टर्स विच प्रोविजन ऑफ रिचुअल्स बाथिंग हैव बीन फाउंड। तो ये देखिए कौन सा है, यहाँ पर एक बात दिया है, द रिचुअल बाथिंग तो खोजी गई थी, वो कौन सा है, तो इसका देखिए राइट आंसर होगा कालीबंगा, यहाँ पर एक रिचुअल बाथिंग हैव बीन फाउंड की गई थी, तो ये ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा बात कौन सा था, वो था मोहनजोदड़ो। तो ये दो आंसर अलग अलग हैं और अलग अलग आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वर द डिस्क्रिपर बाय कौन थे। देखिए ब्राह्मी में किसने लिखा था अशोका के समय, तो आपको बता देता हूं, और डिस्क्रिप्ट बाय मतलब इनको पढ़ने का पहला प्रयास किसने किया था, तो जिसका नाम है वो है जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने अशोका के जो स्तंभ थे उनको पहली बार पढ़ने का प्रयास किया गया, तो सफल भी हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग चोला किंग्स वाज द फर्स्ट ऑफ कैप्चर मालदीप। तो चोला किंग कौन सा था जिसने पहली बार मालदीप को कैप्चर किया था, राज किया था, तो वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 15 का, वो है राजा राजा। इसका जो नाम है राजा राजा बोलते हैं इसको, राजा राजा चोला, इस नाम से ये राजा था, इसने इस पर क्या किया था, मालदीप पर पहली बार इस पर अधिकार जताया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, ये देखते हैं क्या कहता है ये 16। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सातवाहन किंग्स ऑफ द इंट्रोड्यूस द रूलर हेड ऑन द कॉइंस। देखिए सातवाहन जो रूलर्स थे वो कौन था जिसने हेड ऑफ कॉइंस था, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, इसका जो आंसर होगा वो क्या है, सतकर्णी। इसका जो आंसर क्या है, सतकर्णी फर्स्ट है, जिसको सातवाहन को जो हेड ऑफ कॉइंस, कॉइन के ऊपर जिसको छापा गया था, तो सातकर्णी है। अगला चलते हैं, अमंग द फाइव मेन मोनोलिथिक रथस ऑफ द पल्लव्स ऑफ द महाबली पुरम द लार्जेस्ट एज। तो ये लार्जेस्ट है, तो किससे लार्जेस्ट है, तो वो थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है, तो इसका भी हम आपको आंसर बता देते हैं। किसने बनवाया था, धर्मराजा ने बनवाया था। इन विच द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोका मेड बाई द फेमस डिक्लेरेशन ऑल मीन आर माई चिल्ड्रन, ये कब किया गया था और किसमें इसको बताया गया है, तो मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में। ये जो कहा गया था वो कलिंगा रॉक एडिक्ट फर्स्ट में ये कहा गया था, क्योंकि कलिंगा का जब युद्ध हुआ था 261 BC में, उस समय ये घटना घटित हुई थी, और उसने कह दिया अब मैं कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि जितने भी लोग मारे जा रहे हैं वो सब मेरे क्या हैं, पुत्र हैं, इसलिए मैं अब अपने पुत्रों का वध नहीं करूंगा अपनी जीत के लिए। तो ये घटना भी उसी समय की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कहता है, गरुणा वाज द अडॉप्टेड बाय द डायनेस्टिक एम्बलम द आफ्टर द इंपीरियल गुप्ताज बाय। देखिए कि गरुण जो होता है वो कौन सा राजा हुआ जिसने इसको अडॉप्ट किया था इंपीरियल मतलब इंपीरियल रूप से, तो वो आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो है, राजकूटों ने गरुणा को अपना ध्वज के ऊपर भी दिखाया था, मतलब वो उनका प्रतीक था गरुणा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या कहता है, कॉटन क्लॉथ बोर्न बाय द इंडियंस हैड अ ब्राइटर व्हाइट कलर देन एनी कॉटन फाउंड एल्सवेयर, दिस व्यू वाज द रिकॉर्डेड बाय। देखिए किसने ये देखा था कि कॉटन के जो कपड़े बनाए जा रहे हैं, तो उसके बारे में बात हो रही है, और ये कलर पहली बार किसने बनाया ये रिकॉर्ड, तो वो देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है मैगस्थनी, ये रिकॉर्ड मैगस्थनी ने देखा था और उसने अपनी किताब में इसको लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन 21 की तरफ चलते हैं, द लास्ट मोर रूलर हु वाज द किल्ड बाय द कमांडर इन चीफ वॉज। किसने लास्ट जो रूलर था वो मरा था, उसका क्या नाम था, तो मैं आपको बता रहा हूं बहद्रथ। कौन था, और बहद्रथ ही मौर्य साम्राज्य का लास्ट रूलर हुआ है, लास्ट एम्पायर हुआ है, इसके बाद फिर कोई राजा मौर्य साम्राज्य से नहीं था, फिर इसके बाद आ जाता है सुंग डायनेस्टी। आगे चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द बिलीफ ऑफ द पशुपत सेक्शन शिवा इज द लॉर्ड ऑफ पशु, पशु हियर द रेफर्स टू, यानी कि जो पशुपत सेक्स बना हुआ है या मंदिर बना हुआ है वो किस भगवान को रिलेटिव है या किस भगवान से जुड़ा हुआ है, तो वो है शिवा।
किसके साथ है? शिव भगवान है हमारे, उनके लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद इज द रिटन इन प्रोज, तो उपनिषद किसने लिखा था इसके बारे में चल रहा है बात। तो यहां पर देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो 23 का जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है बृहदारण्यक, ठीक है, ये है इसका राइट आंसर और ये आपको लगाना है। 24 देखते हैं, द डेट द होमलैंड ऑफ द आर्यंस वाज द आर्कटिक रीजंस वाज द प्रोपाउंडेड बाय कौन है बेटा? तो इसका जो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। क्या राइट आंसर है इसका? बाल गंगाधर तिलक। आगे चलते हैं, हु अमोंग द इन्वेंटेड जीरो, जीरो किसने खोजा? तो आर्यभट्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, ये बहुत है। इसके अलावा क्या किया था आर्यभट्ट ने? ज्योमेट्री की भी खोज की थी। किसकी? ज्योमेट्री की खोज भी की थी, जो मैथ में आप पढ़ते हो यही आर्यभट्ट की, ये भी आर्यभट्ट का ही है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 चलेंगे अब हम बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेमस ब्रॉन्ज इमेज ऑफ चोला पीरियड, तो चोला पीरियड के कौन सा है? मुरुगन है, नटराजा है, तो नटराजा है सबसे जो फेमस है वो नटराजा था। अगला देखते हैं 27 का, द पगोडस एट द महाबलीपुरम हैड बीन द कंस्ट्रक्टेड बाई, किस राजा ने इसको बनवाया था? तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो है चालुक्य ऑफ कल्याणी। किसने बनवाया था? चालुक्यों ने बनवाया था, कौन सा? महाबलीपुरम मंदिर। आगे देखते हैं 28, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अवर इंफॉर्मेशन एशियंट हिस्ट्री कल्चर हिस्ट्री आर, किसने कहां से ये मिला था? तो ये मैं आपको बता देता हूं, इसका भी जो राइट आंसर है वो है हमारा सी, लिटिल लिटरेचर एंड इपिक्स, ये इसका राइट आंसर है। और यहां से इसका सबसे ज्यादा जो टेस्ट था इतिहास था वो यहां से हमें मिला था, सोर्स हमारा यही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 29 क्वेश्चन होगा ये हमारा, और द ग्रेनरी डिस्कवर्ड एट हड़प्पा वाज लोकेटेड, कहां पर ये लोकेटेड है? हड़प्पा, विद इन द सेटेड इन द मोहनजोदारो इन द लोअर डलावन नियर द रावी नदी, तो इसका जो राइट आंसर है हड़प्पा नियर द रावी नदी। 13 की तरफ चलते हैं, इन हिज द इंस्क्रिप्शन अशोका कॉल्स हिमसेल्फ, अशोका की कौन कौन सी बुक है जो उसके ऊपर लिखी गई है? तो यहाँ पे देखते हैं देवनप्रिया और प्रियदर्शी किंग्स के नाम से इसको जाना जाता है। प्रियदर्शी, अशोका को किसके नाम से जाना जाता है? प्रियदर्शी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसके राइट आंसर हुए हैं और ये ही इसके सारे क्वेश्चन से। इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ, इसी तरीके से हमारी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, समय समय पे मिलती रहेंगी, तो बिल्कुल आप जुड़े रहिए और हमारे साथ चलते रहिए और हम आपकी तैयारी फुल कराएंगे, वो भी 1 मंथ में। इसके अलावा आप हमारे यहाँ से जीके के नोट्स भी ले सकते हैं और जीके की नहीं टोटल मटेरियल आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं हमारे यहाँ से, और वो भी बहुत शानदार स्टडी मटेरियल है। तो आप इसको लेंगे तो आपका करीबन 80-90% आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर हो जाएगा और आप डेफिनेटली एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। और ये जो मटेरियल है वो भी बहुत सस्ते दामों में मिलेगा, 299 में आपको 10 बुकें मिलेंगी आपको, इन बुक के अंदर आपको वो सारा नॉलेज मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी है, और वहाँ के लिए वो फाइट करने के लिए आवश्यक है, वो सारा आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आपको हमारे चैनल की तरफ से, हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से हमेशा प्रयास रहेगा कि आप सिलेक्शन ले पाए, हर पेपर निकाल पाए और समय समय पर आपको जो जरूरी होगा करियर काउंसलिंग से लेकर हर चीज़ वो हम कराते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसके साथ साथ आप शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए। हमारा ऐप भी है SCF ऑफिसर अकेडमी के नाम से, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारा डाटा मिलेगा, इसी नाम से है, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे वहाँ से इसको डाउनलोड कीजिए तो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको और ज़्यादा मिल पाएंगी, प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल पाएंगे आसानी से, और वो भी PDF फॉर्मेट में, तो आप आसानी से उसको सोल्व भी कर पाओगे, पेपर देख पाओगे और सही से तैयारी कर पाओगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए, अच्छे रहिए, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।